अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक और रेसिपी बनाने जा रहा हूँ सैलड से रिलेटेड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं इंशाल्लाह इस मंथ रमज़ान के अंदर आपको हेल्दी रेसिपीज खाना सिखाऊंगा। मैं आज आपको जो सैलड बनाना सिखाने जा रहा हूँ वो है मिक्स बीन्स एंड वेजिटेबल सैलड, जिसके अंदर मैं ये डिफरेंट सिक्स जो कहना मैं ऑनियन जो मैंने कुछ चकोर शक्ल में काटा हुआ है, चॉप किया हुआ है, उसके अलावा खीरा, टमाटो, पेपरिका जिसको आप शिमला मिर्च भी कहते हैं, येलो शिमला मिर्च, और ये नॉर्मल शिमला मिर्च को कैप्सिकम कहते हैं, और उसके अलावा गाजर है वो भी ना, ये सारी मैंने तकरीबन दो दो टेबल स्पून मैंने ले लिया। इसके अलावा मैं इसमें चिकन का इस्तेमाल करूँगा जिसको हम ग्रिल करेंगे। उसके अलावा इसमें मैं स्वीट कॉर्नस डालूँगा, बेबी स्वीट कॉर्नस वगैरह। उसके अलावा मैं मिक्स बीन्स है जिसके अंदर इसमें चने, लोबिया और एक और है बीन्स इसके अंदर शामिल है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम अपने चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट कर लेते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी हम डालेंगे बेजिल, रोजमेरी बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, बिल्कुल हल्के से इसके अंदर हम ऑरिगेनो डालेंगे, थाइम, ये भी इटालियन हर्ब है, थाइम डालेंगे थोड़ी सी अंदर इधर। आपको नॉर्मल मार्केट में ये मिक्स हर्ब के नाम से भी मिल जाएंगे, अगर नहीं है तो नॉर्मल आप अगर सेपरेटली आपके पड़ी है तो आप सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पेपरिका हम यूज़ करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी, सॉल्ट बिल्कुल हसबे ज़रूरत, उसके अंदर ब्लैक पेपर और हनी हमने इसके अंदर डाल दिया है ऑलरेडी। इसके अलावा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल एक टेबलस्पून के करीब, और लेमन का जूस बिल्कुल वो भी हाफ टेबल स्पून से एक टेबलस्पून के करीब। सब कुछ डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम, चिकन के ऊपर रब कर लेंगे स्पाइस को। मसाले को अच्छी तरह लगाने के बाद आप इसको तकरीबन 2 to 3 hours के लिए इसको आप मैरिनेट करके इसको रख दें ताकि इसका जायका अच्छा आ जाए। इसके बाद हम इसको ना ओवन के अंदर ग्रिल कर लेंगे। चिकन को हमने ऑलरेडी मैरिनेट कर दिया है और तब तक हम अपने जो वेजिटेबल को मिक्स कर लेते हैं, शिमला मिर्च, इस पर मैंने गाजर डाल दी तकरीबन 2 to 3 tablespoons के करीब है। आज की सर्विंग भी जो है नॉर्मली 2 से 3 बंदे खा सकते हैं। ये है पेपरिका, येलो पेपरिका यूज़ कर रहा हूँ, टमाटो, खीरा और ऑनियन चॉप हुए हैं। वेजिटेबल के बाद इसके अंदर हम जो बीन्स हैं वो सारी डाल लेते हैं, तकरीबन हार्डली ये हाफ कप के करीब हैं बीन्स। जो स्वीट कॉर्न हैं हमारे, हम इसके अंदर तकरीबन 3 to 4 tablespoons डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर, इसमें तकरीबन हाफ कैन के करीब डाले मैंने। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर हम अब जो अपनी सीजनिंग करते हैं सैलेड को अच्छी तरह, सॉल्ट, अच्छा इसमें लास्ट जो हमारा ये मस्टर्ड पेस्ट है तकरीबन 1 to 2 tablespoons डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी। चिकन
चिकन को मैंने ओवन में लगा दिया ग्रिल होने के लिए। तकरीबन 10 मिनट में जब चिकन तैयार हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह चिकन भी आपको दिखा दूंगा लास्ट में। सैलेड हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम सर्व कर लेते हैं प्लेट के अंदर। चिकन हमारी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, चिकन को भी हम इसके अंदर ऊपर होपफुली आज की रेसिपी हमारी आपको पसंद आई होगी। बहुत इजी रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली है, वो सिंपल है।